ज अ पीपल तो कैसी चले मुझे जिंदगी कैसे हो मेरे शेर शेरियो वेलकम टू देशन एंड अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली आई रियली होप आप लोगों ने हमारे दिवाली का वीडियो देख लिया होगा

तो भाई साहब मचाने वाले हैं ऑफकोर्स ये बात है क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है तो कोई भी लाइव क्विज नहीं हो पाएगी बट डो नॉट वरी इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक असाइनमेंट क्विज डाल दिया है ताकि सेशन के होने के बाद अच्छे से देख लेने के बाद आप असाइनमेंट क्विज को अटैम्प करके देखना मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग अव्वल आए कि नहीं ठीक है और कोई डाउट हुए सेशन तब भी बताना तो वीडियो को मेक श्योर दी लाइक बटन राइट नाउ पीपल शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल राइट राइट नाउ सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ अमेजिंग मिसमेज कमिंग फॉरवर्ड ठीक है तो आज करने क्या वाले हैं सर तो ऑफ कोर्स ये बात है कि शुरू करेंगे हम होमवर्क uh, होमवर्क्रॉकर से शुरू करेंगे हम तालियां बजाने से मोटिवेशनल कोर्ट से बट 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 आज के सेशन में एग्जैक्टली exactly होगा क्या मैजिक होगा या तो हम मैजिक्स को रिवील करेंगे आज जो हमारे कॉमन चीजें है उनको समझेंगे आज जैसे एग्जाम्पल एक तेज चूरी से जो थोड़ा शार्प है उससे टमाटर इजिली कट जाता है ये क्यों नहीं कट पाता जब हमारा चूरी जो है शार्प नहीं होता है एंड मी हर सर को शादी के बाद इसकी बहुत चिंता रहती है बहुत टमाटर काटने पड़ते हैं उनको समझ पा रहे हो तो क्यों नहीं हो पाता दूसरा आपका जो बैग है जिसको आप स्कूल ले जाते हो जो भी हमारा बैग होता है उन सबका जो शोल्डर स्ट्रैप्स होता है इतना मोटा क्यों होता है पतले वाले भी होते हैं लेकिन पतले वाले हो, जब होते हैं तो दर्द होता है तो दुखने लग जाता है हमें है ना जितने मोटे स्ट्रैप्स होते हैं उतना आपको बेटर फील होता है वाह वाह बीच में क्लिप भी हो जाए तो वाह स्वाद आ जाता है है कि नहीं ठीक है तो क्यों होता है ऐसे ट्रक के टायर्स इतने मोटे क्यों होते हैं यार ट्रक के टायर्स एक बाइक जैसे क्यों नहीं सकते है? कार जैसे एयरप्लेन के टायर्स तो भाई ट्रक जितना होता है क्यों हम्म रेत पे चलते वक्त हमारे पैर दस क्यों जाते हैं लेकिन रेत पे जब हम लेटते हैं तब दसते तो नहीं हम चलते वक्त क्यों दस जाते खड़े खड़े क्यों दसते एक इंसान नेल्स के बेड पे लेट सकता है वाह उसके ऊपर कभी कभी बाइक भी चढ़ जाती है देखा होगा आपने बहुत सारे शोज में चढ़ भी जाती है और कुछ नहीं होता उसे कुछ कुछ थोड़ा सा रेड डॉट होता है थोड़ा सा चुपता है भाई साहब जब एक नेल या तो थोड़ा छोटा सा एक कांटा जमीन पे रहता है और हमारा पैर गलती से पड़ जाता है तो हम अपनी मम्मी पर नानी नानी सबको याद रखते हैं करते हैं अचानक से और अचानक से वो माधुरी दीक्षित जैसे वो जी जैसे आवाज निकालते हैं वो भी निकालते है, है ना तो ये सब होता क्यों है आज के आधे घंटे के सेशन में जो आपके सिलेबस में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आज हम सीखेंगे समझेंगे और आज के आखिर में आपको आज मैं ऐसा होमवर्क देने वाला हूं कि भाई आप ये भी कहोगे कि सर हम इस दुनिया के मोह माया से मुक्त हो गए ठीक है तो शुरू करें फिर चलो भाई आगे बढ़ते हैं इन सब का जवाब आज निकालते हैं शुरू करते हैं आ जाओ सो सो थैंक यू मच दिस सेशन पीपल अगर अभी ऑलरेडी मज़ा आ रहा है जवाब निकालना है तो हिट द लाइक बटन राइट नाउ इंटाग्राम पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से लाइव करते जा रहे हैं तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो अभी मेरा आईडी है ज्वाइन जरूर कर लेना और इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ये रहा भाई हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों में मैं लाइव आता हूँ और वहां पे पढ़ाई की बात नहीं करता मैं आप लोगों से डायरेक्टली आमने सामने कैम कैमरा ऑन करके बात कर पाता ठीक है तो थोड़ा सा पर्सनल कनेक्ट के लिए जुड़ सकते हो

और इस पूरी जिंदगी में आपको इमेजिनेशन की बहुत जरूरत है क्योंकि अगर आप एक साइंस स्टूडेंट बनना चाहते हो तो भाई व्हाट साइंस विदाउट इमेजिनेशन है ना चलो तो पिछले सेशन में मैंने एक होमवर्क पूछा था द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर इज बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था कि मतलब अर्थ के सेंटर में कहा गया भाई एक्सक्यूज मी हां थैंक यू स्क्रीन को एक्सक्यूज बोलने से आता है उधर रिजलत देना पड़ता है ना तो अगर आप अर्थ के सेंटर में हो ऐसे यहाँ पे खड़े हुए लटके हुए तो आपके ऊपर ग्राविटी कितनी तो होगी तो बहुत लोग लगे सरविटी सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि आप अर्थ के अंदर घुस गए ऑफकोर्स नॉट ऐसा होता नहीं है क्यों क्योंकि आपको अर्थ सब सब तरफ से खींचने लग जाता है है ना सब तरफ से खींचने लग जाता है फिर आपको अर्थ क्योंकि आप सेंटर पे हो तो आप आपके ऊपर फोर्स सब तरीके तरफ से आ रही है तो यहां पे जो फोर्स है उसको ये फोर्स निगेट कर देता है

सो वॉट इज फोर्स इज थ्रस्ट थ्रस्ट हमारा आज का टॉपिक है थ्रस्ट को भूल जाते हैं कुछ देर के लिए है ना फोर्स समझते हैं जब हम एक ट्रॉली को खींच कर ले जाते हैं तो हम उसमें फोर्स लगाते हैं पता है जब हम ये नो एक डब्बे को यहां से वहां खींचते हैं उठाकर कहीं रखते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं पता है सर ठीक है जब हम एक आयन नेल को दीवार पे ठोकते हैं या तो कहीं पे भी लगाते हैं तो फोर्स लगाते हैं बहुत बढ़िया है। लेकिन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है को बता सकते हैं क्या है? स्पैम करना चैट में इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है और क्या है सोचो क्या कॉमन है इन सब पांच चार तीन दो एक, एक काम करते हैं हैमर वाला एग्जांपल लेते हैं ठीक है अगर मैं आपसे इस पे एक सवाल पूछूं कि भाई

आप जिसपे मार रहे दीवार तोड़ जाएगी भाई दीवार क्रैक हो जाएगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आप सीधा रखिए फिर मारोगे तो बराबर और नीचे जाएगी करेक्ट और आपका हैमर भी 90 डिग्रीज पे पड़ता है उसे नाइन्टी डिग्रीज पर पेंडिकुलर पर तो सरफेस यही चीज कॉमन है बाकी दो तो एग्जाम्पल में भी ये जो आपने देखा ना हैमर में भी वही है ट्रॉली जब पकड़ के ले जाते हो तो ट्रॉली का हैंडल और आप जिस एंगल पे फोर्स लगाते हो वो भी परपेंडिकुलर है ठीक है यहाँ पे जो यहाँ पे डब्बे को आप लगाते हो धक्का वो भी सरफेस की तरफ से परपेंडिकुलर है है कि नहीं तो जो भी फोर्स इस दुनिया में आप परपेंडिकुलर लगा रहे हो टू दी सरफेस यानी मैंने आयरन नेल लिया ऐसे रखा और उसको ऐसे मारा परपेंडिकुलर हुआ जो भी फोर्स आप इस दुनिया में परपेंडिकुलर लगा रहे हो टू दी सरफेस उसको हम कहेंगे थ्रस्ट स्लाइट डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड थ्रस्ट तो है क्या थ्रस्ट फोर्स ही है बट इट्स लाइक थ्रस्ट इज फोर्स थ्रस्ट को भी फोर्स ही है बट ऑल फोर्स इज न एक आंगल को मैं ऐसे रखूंगा और ऐसे मारूंगा मतलब इंक्लाइन रखे मारूंगा तो फिर यह परपेंडिकुलर नीवा टू दर्फेस तो नहीं होगा थ्रस्ट नहीं खेलाएगा फिर बात सो वट इज थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स टू द इज कॉल्ड एज थ्रस्ट खत्म इसमें कोई और आपको सोचने की जरूरत नहीं है खत्म हो गया थ्रस्ट इज डन थ्रस्ट इज डन थ्रस्ट इज इक्वल टू फोर्स अब आप स्पैम करो चैट पे मैं आपको दस सेकंड दूंगा अगर फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है तो थ्रस्ट का क्या होना चाहिए दस नौ आठ सात छ क्या होना चाहिए न्यूटन होना चाहिए

स्टेट <laughs> ही खड़े होते हो तो ग्रेविटेशन फोर्स आग, सेंटर आग, तो भाई वो भी एक बहुत अच्छा का फोर्स है, ठीक है तो यहाँ पे आप मान लो लेटे की तरफ है परपेंडिकुलर डाउन लेकिन इस चेहरे में वो मजा नहीं आ रहा ना वो स्वाद नहीं आ रहा है इस चेहरे में इस चेहरे को बदलते हैं एग्जाम्पल में इस चेहरे को बदलते हैं इस चेहरे को बदलकर ऑफकोर्स ठीक हाँ, है मान लो अमृतसर से रेत पे लेटे हुए ऐसा आराम कर रहे हैं है। अमृतसर भी सोचे जब मैं लेटा हुआ होता हूं तो तो आराम से लेटा हुआ होता हूं दस्ता नहीं हो जमीन पे रेत में दस्ता नहीं हो मैं बट अचानक मैं जब खड़े हो जाता हूं रेत मेरे पैर दस्ते जाते हैं चलने मुश्किल होती है तो क्यों ना मैं रेत में ऐसे रेंगते रेंगते चले जाऊं

लेकिन द इफेक्ट ऑफ फोर्स फोर्स का जो इफेक्ट है यहां पे अलग है यहां पे फोर्स हमें नीचे ले जाता है यहां पे फोर्स हमें ऊपर ही रखता है अब बात है यार, फोर्स की जब मैं बात करता हूं, जब मैं इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करता हूं तो इफेक्ट ऑफ फोर्स यहां पर ऑफकोर्स है प्रोपोर्शनल टू तो फोर्स है

सर जब आप खड़े हुए हैं ना तो बस इतना सा एरिया रेत के कांटेक्ट में आता है आपके पैरों का एरिया सिर्फ रेत के कांटेक्ट में आता है और जब आप लेटे हुए हो तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी रेत के कॉन्टेक्ट में आती है नहीं ये एक चीज हमारे लिए नोटिसेबल है हम्म जहां पर एरिया कम है वहां पे फोर्स का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है हमें है ना जहां पे एरिया कम है वहां पे फोर्स का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे फोर्स का इफेक्ट कम देखने को मिलता है अंदर खुद दस्ता नहीं है जमीन तो बेसिकली दो चीजें हमने इसे निकाली कि भाई इफेक्ट ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड यानी कि जहां पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसके एरिया ये इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है इंटरेस्टिंग वो भी इनवर्सली करता है इसके एक और एग्जाम्पल होगा बहुत सिंपल सा जैसे मान लो ये आपका आयन नेल है ठीक है आयन नेल को अगर मैं इस नोकेली जगह से दीवार के अंदर ठेलूंगा तो अंदर चल जाएगा आराम से है ना बट वहीं पे अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया और फिर दीवार के अंदर इस ब्लंट सरफेस से अंदर डालने की कोशिश की तो नहीं करेगा वो क्यों क्योंकि यहां पे एरिया कम था यहां पे एरिया ज्यादा है तो जहां एरिया कम है वहां पे इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा है जहां पे एरिया ज्यादा वहां मैंने सेम कॉन्स्टेंट तो है, से, है। हा तो अगर मैं इसको कंबाइन कर लू तो बॉडी आई कंबाइन बोथ ऑफ दिस आई कैन कंबाइन बोथ ऑफ पुट इट अक्रॉस एज इफेक्ट ऑफ फोर्स दिख रहा है ना सबको भाई हाँ दिख रहा है इफेक्ट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और यहां पे क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्सेस है तो आप थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं इसको फोर्स अपॉन एरिया अब बच्चों इस इफेक्ट ऑफ फोर्स को ये जो मैंने इफेक्ट ऑफ फोर्स इफेक्ट ऑफ फोर्स बोला ना इस इफेक्ट ऑफ फोर्स को साइंस में हम प्रेशर कहते हैं प्लेजर नहीं बेशर्मो प्रेशर कहते हैं प्रेशर क्या है प्रेशर फोर्स का जो हमें इफेक्ट दिखता है वो है प्रेशर वाह रोमांटिक हो गया प्रेशर अचानक से सो व्हाट इज प्रेशर प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया फोर्स अपॉन एरिया सॉर्टेड सॉर्टेड है ना तो प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स जो हमें दिखता है इट इज थ्रस्ट एरिया तो आप स्पैम करो मैं आपको 10 सेकंड दूंगा अभी चैट पे कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए फिर बताओ स्पैम करो फॉरवर्ड और हम तो भाई मस्त स्पीड बद रहे हैं सोलह मिनट हो गए सोलह मिनट में हमने इतना कर लिया बहुत अच्छी बात है यार क्या बात है अब मेरे ख्याल से पंद्रह मिनट और लगेंगे सेशन कंप्लीट करने में तो तीस मिनट बाई तीस तीस पैंतीस मिनट सेशन कंप्लीट हो जाएगा बताओ क्या जवाब इसका हाँ एग्जैक्टली exactly, बहुत बढ़िया सर थ्रस्ट का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर

जब खड़े होते हैं तो क्योंकि उनका एरिया कम है जहां पे फोर्स अप्लाई होता है वो दस्ते चले जाते हैं प्रेशर वहां पे ज्यादा है यहां पे प्रेशर कम है क्योंकि वहां पे एरिया ज्यादा है खत्म यही सेम रीजन है ठीक है यही सेम रीजन है कि अ शार्प नाइफ एक नाइफ जो शार्प होती है क्योंकि शार्प मतलब कहता है भाई वो बहुत पतला होता है एट दी एंड तो एरिया बहुत कम होती है प्रेशर ज्यादा होता है उसमें तो इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा दिखती है हमें समझे जब ब्लंट होती है तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम दिखता है कम कटता है वही सेम चीज बैक के लिए शोल्डर शोल्डर स्ट्रैप्स अगर पतले हो हो गए तो भाई एरिया कम हो गया आपका जो पूरा चेस्ट सब कुछ है दर्द होने लगेगा क्योंकि प्रेशर वहां पे ज्यादा बढ़ेगी इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा एरिया कम है इसलिए हम उसको ब्रॉड रखते हैं यही सेम रीजन है कि ट्रक के टायर्स भी इतने मोटे होते हैं क्योंकि ट्रक इतना भारी है अगर ट्रक के टायर्स पतले हो गए तो पहली बात तो टायर टूट जाएगी दूसरा टायर हमारे रोड के अंदर धस भी सकती है क्योंकि भाई पूरा का पूरा प्रेशर उन छोटे छोटे एरिया में आ रहा है तो इतना ज़्यादा प्रेशर होगा ना फिर इसलिए प्रेशर ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हम एरिया बड़ा कर देते हैं तो जो फोर्स से आ रहा है वो इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सिर्फ इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं बदले पूरे इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इसी वजह से ट्रक्स में इतने नंबर ऑफ टायर्स भी होते हैं ताकि ज्यादा जगहों पे प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इवनली और रोड पे ज्यादा नुकसान ना हो ना ही ट्रक का यही सेम रीज़न है भाई एयरप्लेन भी होते हैं क्या कहते हैं टायर्स इतने बड़े होते हैं क्योंकि उनका वेट तो बहुत ज़्यादा है यही रीजन है कि लोग आयन नेल पे लेट जाते हैं जो नेल का बेड है उसमें लेट जाते हैं क्यों क्योंकि इतने सारे आयन नेल्स हैं तो भाई क्योंकि कलेक्टिवली उनका एरिया इतना ज़्यादा है कि आपके ऊपर प्रेशर कम है बट जब एक सिंगल नेल होती है तो एरिया पिद्दी सा होता है तो प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है इसलिए आपको आउच वाली फीलिंग आती है समझे तो ए रियली पार्ट इंजॉयड अगर इतना तक मजा आ गया तो जोर से बोलो बल्ले बल्ले मचा देते हैं क्या बात है फोड़ दिया आप लोगों ने एकदम एकदम फोड़ दिया क्या बात है यार ठीक है बस अब पंद्रह दस पंद्रह मिनट और एंड वी डन बी टूडे सेशन बिकॉज यार प्रेशर हमने समझा अभी सॉलिड ऑब्जेक्ट को लेकर

इतना ही है, ठीक है? तो फ्लुइड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ गैस प्लस लिक्विड। तो इसको हम ग्लूइड क्यों नहीं बोलते? पता नहीं, <laughs> बट फ्लुइड कहते हैं, ठीक है? तो क्या गैस और लिक्विड प्रेशर डालती है? क्या लगता है आपको? 10 सेकंड ले रहा हूँ स्पाइम्बोरो चैट पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 दो एक दे दिया उम्मीद है सबने हां बोला है क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पहले लिक्विड को देखते हैं ठीक है लिक्विड को देखते हैं भाई एक कंटेनर है कंटेनर में अगर हम होल्ड्स करते तो होता क्या होना क्या चाहिए आइडियली होना क्या चाहिए हमारा दिमाग ये कहता है कि यार प्रेशर अगर अगर फ्लुइड प्रेशर नहीं देता लिक्विड प्रेशर नहीं देता है लिक्विड में कोई फोर्स नहीं होती है तो पानी जब निकलेगा तो फिर ऐसे बहेगा ना कोई प्रेशर नहीं है इस पर तो ऐसे टप टप टक टप टप करके बहेगा वो इतने फोर्स से आके क्यों गिरता है इतने जोर जोर से बिलीव नहीं होता देखो एग्जाम्पल देख लो एग्जाम्पल वो ऐसे टपकना चाहिए ना बहना चाहिए वो ऐसे इतने फोर्स से बाहर क्यों आ रहा है भाई क्यों क्योंकि फ्लूइड बोतल में जो हमारा लिक्विड है बोतल को प्रेशर दे रहा था जैसे आपने वहां पे छेद किया उसी प्रेशर से बाहर आ गया भाई हमारा ब्लड प्रेशर नाम का भी एक चीज होता है ना हार्ट हमारे ब्लड को पंप कर होता है उसी पंप के प्रेशर से पूरे बॉडी में ब्लड बहती है यही है ब्लड प्रेशर तो भाई प्रेशर है बिल्कुल है लिक्विड लिक्विड हैज प्रेशर बिलीव नहीं हो रहा अभी भी भाई पोलिस इस्तेमाल करती है पानी का जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं ये चीज करने के लिए अ वेरी नॉन वायलेंट वे टू टर्न अवे प्रोटेस्ट पानी का इस्तेमाल करती है और एयर की बात तो पूछो नहीं यार जब तूफान आता है तो क्या क्या होता है हमारे पास तो प्रेशर नहीं डालते तो सप्लाई नहीं करती हम पे बिल्कुल करती है हवा भी है ना सो फ्लूइड्स डू प्रेशर हैेश बट इससे रिलेटेड कुछ अमेजिंग एग्जाम्पल्स है जैसे कि समझो इस बात को पूरा समझो हाँ जब हम पानी के स्विमिंग जितने लोग यहां पे स्विमिंग करते हैं पता होगा आपको पानी के ऊपर तो ठीक रहता है पानी के अंदर से, जाते न, अचानक से हमारे कान थोड़े से बंद हो जाते हैं क्यों जितना अंदर जाते हैं उतने ज्यादा बंद होते हैं क्यों हमारे जो डैम्स होते हैं वो ऊपर की तरफ पतले से होते हैं बट जैसे वो नीचे की तरफ आता है ना डैम्स इतने मोटे हो जाते हैं क्यों इसका एक अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगा यही बॉटल से ध्यान से देखना आप देखना पानी यहां से नीचे आ रहा है ये होल सबसे ऊपर है पहला ये 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 होल दूसरा ये तीसरा ये चौथा अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन से होल में सबसे ज्यादा प्रेशर है तो आप क्या कहोगे चौथा करेक्ट चौथे में सबसे ज्यादा प्रेशर सबसे ज्यादा फोर्स वहीं से आ रहा है सर वो क्यों क्यों आ रहा है क्योंकि चौथे होल पर इतने पानी का फोर्स लग रहा है वेट लग रहा है तीसरे होल पर इतने पानी का दूसरे होल पर इतने पानी का पहले होल पे बस इतने पानी का फोर्स लग रहा है वेट उतना ही है इसलिए जितने ज्यादा आप डीप जाओगे स्विमिंग पूल में उतना आप पे प्रेशर बढ़ेगा जितना आप नीचे जाओगे डैम में उतना ही प्रेशर बढ़ेगा तो डैम का ऊपर का दीवार और नीचे का दीवार सेम विट का नहीं हो सकता क्योंकि नीचे तो भाई इतनी पानी होती है डैम में नीचे इतने पतले दीवार से तो टूट जाएगा डैम और टूटे भी बहुत है इसलिए नीचे वाले भाग को हम थिक बनाते हैं ताकि वो इतना प्रेशर झेल पाए पानी का सो पीपल प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ इन द फ्लोड इसको याद रखना आपको हमेशा इस बॉटल को याद रखना ठीक है चलो बहुत बढ़िया पीपल फैंटेस्टिक एंड दैट्स ऑल वी डन विद टूडे सेशन और जैसे मैंने आपको कहा अभी आपने जो भी पढ़ा है मैं आपको समराइज कर देता हूं फिर इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट क्विज मिल जाएगी अब जाना लिंक पे क्लिक करना डिस्क्रिप्शन में लिंक है असाइनमेंट क्विज का लिंक पे क्लिक करना अटेम्प्ट करना असाइनमेंट क्विज और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई साहब आप अव्वल आए कि नहीं मुझे ये भी बताना कि आज का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था सेशन का और मैं आपको अभी एक होमवर्क भी देने वाला हूं ठीक है उससे पहले एक बार समरी कर लेता हूं शुरुआत हमने की थी कि भाई थ्रस्ट क्या होता है फिर हमने पढ़ा था एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट फिर हमने पढ़ा था कि भाई थ्रस्ट और फोर्स का डिफरेंस क्या होता है फिर हमने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े देन वी गो ऑन टू द ऑफ दूड प्रेशर हमने ये प्रूव किया कि फ्लूड प्रेशर होता है फिर हमने ये भी प्रूव किया कि भाई उसके एप्लीकेशन जो होते हैं कि भाई डैम इतना थिक क्यों है वगैरह वगैरह ठीक है और ये रहा आप लोग के लिए आज का होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बोला था ना कि होमवर्क आपका आप क्या मतलब क्या कहते हैं मतलब सारी माया से मुक्त हो जाओगे आप होमवर्क सुनकर तो सुनो ध्यान से होमवर्क है आई ट्रूली बिलीव दैट वी डू नॉट और वी कैन नॉट ह्यूमन बींग्स एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इनकेपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग फोर्स यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि हम फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते हैं हम ना फोर्स हम बस फोर्स को देख सकते हैं हम फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हम महसूस नहीं कर सकते हैं फोर्स को क्यों नहीं कर सकते हो क्योंकि आप ये फोर्स लगा रहे हो और जहां पर फोर्स लगा रहे हो वहां पर एरिया इन्वॉल्व होती है ना जहां पर भी आप फोर्स लगाओ चाहे वो फ्रिक्शन हो मैग्नेटिक फोर्स हो ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे वो मस्कुलर फोर्स हो जो भी फोर्स हो वो ने किसी ना किसी एरिया पे लगती है मैं इस स्क्रीन को धकेलूंगा तो मेरे हाथ इस स्क्रीन पे लगेंगे एरिया कंज्यूम होगी और जहां पे एरिया आ गया हो तो प्रेशर बन गया ना करेक्ट सो वे आई एम एक्सपीरियंसिंग प्रेशर नॉट फोर्स बिकॉज एंड वी कैनोट अप्लाई फोर्स Without involving the area, what do you think? Do You think I'm right? Or do you think I'm wrong? Let me know in the comment section. Meet <laughs> <laughs> well, the next session, the people where we will be understanding buoyancy and most probably along with Archimedes' principle, we'll see whether we can do this both in one session. But I hope all of you guys are doing great job. Uh, you know. Uh, attempting all the questions and watching our sessions thank you so much for that really means a lot for when you come down to every session of ours thank you so much for that Well the next session until then this is abhishek signing off peace